हेलो फ्रेंड्स, फाइन डिटेल की एक नई वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। आज बात करने वाले हैं गाड़ी के कूलिंग सिस्टम के ऊपर। जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है उसमें हमारा चाहिए होता है कूलेंट, और ये कूलेंट कैसे यूज़ होता है उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और ये भी जानेंगे क्या कूलेंट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हम उसमें पानी भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, या हमें कूलेंट ही यूज़ करना चाहिए, तो उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, हम पानी और कूलेंट के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो ये जानेंगे कि पानी हमारा यूज़ होने वाली चीज़ है नहीं है गाड़ी में, या हमें कूलेंट ही यूज़ करना चाहिए अपने जो हमारा कूलिंग सिस्टम है उसको ठंडा रखने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, पहले तो जो हमारा कूलेंट डला होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कूलेंट की यहाँ पर पूरा कूलेंट का लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे नीचे कूलेंट भी आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, और ये कूलेंट हमारे इंजन में रोटेट होके दोबारा इस बॉटल के अंदर आता है, और दोबारा मतलब ये एक प्रोसेस चलता रहता है। और कूलेंट हमारा यूज़ जो होने वाला है यहाँ पे वो होता है ठंडे होने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए। बार बार कूलेंट हमारा इंजन के अंदर रोटेट होता है और ऐसे इंजन को वो ठंडा रखता है, उसका नाम ही कूलेंट है, आप देख पा रहे होंगे। अब ये जानने वाली बात है कि जब इंजन के अंदर कूलेंट खाली ठंडा करने के काम आ रहा है, तो क्या हम पानी भी तो यूज़ कर सकते हैं ठंडा करने के लिए? लेकिन गाइज, ऐसा करने से आपकी दो चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो हमारा कूलेंट है वो तो आराम से चीज़ों को कवर करके या इस चीज़ को प्रोसेस करके निकल के दोबारा ये फंक्शन चलता रह रहा है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पानी डालते हैं तो पानी में हमारी सबसे पहले ये प्रॉब्लम होने वाली है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक इंजन का टेम्परेचर हुआ तो पानी ऑटोमेटिकली बॉइल हो जाएगा और इवेपोरेट हो जाएगा, ऐसे में पानी ख़त्म हो जाएगा और इंजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, वो उसको ठंडा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंजन जो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम है। अब बात कर लेते हैं यहीं पे कूलेंट की। कूलेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ऐसे में कूलेंट उड़ता नहीं है और कूलेंट बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है। अब कूलेंट गर्म नहीं होता है तो ऐसे में वो इंजन को बार बार ठंडा करता रहता है, और ठंडा करने के बाद ये प्रोसेस चलती रहती है, तो ऐसे में हमारा जो कूलेंट है वो उड़ता भी नहीं है, क्योंकि उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब जो सेकंड पॉइंट की हम बात कर रहे थे वाटर की, अगर हम वाटर इसको यूज़ करें तो एक और प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये प्रॉब्लम हो सकती है जो इंजन के अंदर डक्स होते हैं या जो भी जहाँ जहाँ से हमारा कूलेंट जाता है, अगर वहाँ कहीं लीकेज है और आपने ऐसे में पानी अपने कूलेंट की जगह पानी डाला है, तो वहाँ पर रस्टिंग का कारण सबसे ज़्यादा हो सकता है, और रस्ट होने के कारण आपके इंजन को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और ऐसे में आपका इंजन भी सीज हो सकता है, साथ ही साथ आपके पिस्टन रिंग और बाकी चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी ख़राब हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि वाटर आप तभी यूज़ करिए इमरजेंसी कंडीशन में, जब आपकी गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही हो, और वहाँ पे तभी आपको वाटर यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपको कूलेंट ही यूज़ करना है, और कूलेंट टाइम टू टाइम चेंज कराना है। अगर कूलेंट आपने टाइम टू टाइम चेंज नहीं कराया तो उसकी जो पावर है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ वो इंजन को ठंडा करना कम कर देगा। तो गाइज़, ध्यान रखिए कि हमेशा कूलेंट का यूज़ करें, कूलेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो ईजी आपकी गाड़ी को, आपके इंजन को ठंडा करता है। वहीं अगर वाटर की बात करें तो वाटर में ऐसा नहीं होता है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, और कम होने के कारण वो जल्दी इवेपोरेट भी हो जाता है और गाड़ी को गर्म करना शुरू कर देता है। तो गाइज, ऐसे वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज, ध्यान रखें कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें लाल वाला बटन दबा के, और ऐसी न्यू वीडियो के लिए धन्यवाद।